कांड पर वीके सिंह के बयान पर मचा बवाल, विपक्ष ने की बर्खास्त करने की मांग। विवादित बयान पर वीके सिंह ने मांगी माफी, कहा किसी को आहत करना नहीं था मकसद। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर भड़के केजरीवाल, कहा उत्तर और दक्षिण भारतीयों में देशवासियों को ना बांटे। रिजिजू ने कहा उत्तर भारतीयों को नियम तोड़ने में आता है मजा। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर फिर लग सकते हैं कूड़े के ढेर। दिल्ली में आज से हड़ताल पर तीनों नगर निगम के 1,00,000 सफाई कर्मचारी, वेतन कैशलेस मेडिकल सुविधा सहित 17 मांग को लेकर हड़ताल पर। गायक अभिजीत भट्टाचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप, मुंबई के ओखीवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। एक महिला ने एक शो के दौरान अभिजीत पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। और चेन्नई वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 35 रन से दी मात। 5 वनडे मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर। नमस्कार, मैं हूँ शाहिदा शिरादे, मैं हूँ आपके साथ आचार्य संतोष, और आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम कला जो कल आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए खास विषय। और विषय ये है कि अक्सर जिंदगी के अंदर इस तरह के मोड़ आ जाते हैं जब इंसान अपना हौसला छोड़ देता है, उसका हौसला टूट जाता है और मायूसी की तरफ आप अचानक कदम बढ़ाने लगते हैं। लेकिन आज जिंदगी का नाम चलते रहना है, और ये चलते रहना तब तक होता है जब सफलता हाथ ना लग जाए। मायूसी का दामन छोड़िए, सफलता का दामन थामने के लिए वो उपाय अब हम लेने के लिए तैयार हो जाइए जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज। लेकिन ये विषय क्या होगा, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोष संतोषी जी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जिंदगी का फलसफा क्या है। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा आपने भूमिका बनाया कि चलते रहना ही जिंदगी। बिल्कुल। और आज जो विषय हमने उठाया है दर्शकों, मायूसी तब होती है जब मंजिल हमसे छूट जाए। और मंजिल कहते किसे हैं, मंजिल की परिभाषा क्या है, इसको बनाने वाला कौन है। आपने सोचा कि भाई हमको वहां तक पहुंचना है, ये आपकी सोच है, और जहां सोच और आशा बनाया वहीं पर अगले क्षण आपको निराशा प्राप्त हुआ। इस समय गोचर में जिस तरह के योग चल रहे हैं मित्रों, जैसे इस समय अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तुला लग्न का उदय है, सूर्य लग्नस्थ है, और सूर्य 24 घंटे कहीं ना कहीं प्रकाश देता रहता है। चरहवेति चरहवेति चरहवेति, अर्थात चलते रहें चलते रहें। मंगल बृहस्पति भी एक साथ अच्छी राशि मित्र राशि सिंह राशि में, तो मंगल बृहस्पति और सूर्य इन तीन ग्रहों से मिला करके एक ऐसा योग बनाएंगे जो प्रत्येक राशि वालों के लिए उदासी का दामन छोड़ आशा के दामन के साथ मंजिल को अपने करीब खींचने का एक प्रयास करवाएंगे। उपाय आज हम राशि के अनुसार बताएंगे, हर राशि के लिए खास उपाय रहेगा, और वह उपाय जब करें तो आप यह अक्षर अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि 24 घंटे यह आपको मदद करता है, हर काम आपका सफल करता है।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ये लग रहा है कि आपका क्रोध आपसे बहुत कुछ दूर कर रहा है, आपके अपने दूर जा रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा जो ये क्रोध है आज के किचन पिटारे में छुपा है, वो खास उपाय जो आपके क्रोध को काफुर कर देगा और आप एकदम कूल कूल हो जाएंगे। थोड़ी देर में होगा ये उपाय भी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के रक्षा कवच की। क्या है आज का आपका रक्षा कवच और कल के लिए भी जान लेते हैं। मंजिल छिनने लग जाए तो एक रेखा भी यहाँ पर बन जाती है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कार्यक्रम के दौरान, कहीं मत जाइएगा। रक्षा कवच आज के दिन आपके लिए खास तौर पर शकर और शहद ये स्पर्श करना है और छू करके प्रणाम करते हुए घर से प्रस्थान करना है। कल के दिन के लिए काला धागा किसी वृक्ष में बांधते हुए फिर आप घर से निकलिएगा, नीचे रख भी सकते हैं और ऐसे में आप सुरक्षित रहेंगे, यात्रा सुखद रहेगी। और चलिए अब बात करेंगे सक्सेस की के बारे में, वो कुंजी जो आपको अपने साथ रखनी है, यानी कि वो उपाय जो आपके काम जरूर सफल करेगा, चाहे फिर वो कोई एग्जाम हो, इम्तिहान हो या फिर कोई इंटरव्यू, आप जरूर सक्सेस हासिल करेंगे। तो नोट कर लीजिए आज की और कल की सक्सेस की। चलिए सक्सेस की आपको हम वह चाबी देते हैं, वह कुंजी देते हैं जिसके द्वारा आप अपने हर परीक्षा में अपने आप को सफल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ईंट का टुकड़ा सरसों के तेल में स्पर्श करके फिर आप घर से प्रस्थान करिए यदि आप आज कहीं परीक्षा देने जाते हैं, और कल के दिन यदि आप परीक्षा देने जाते हैं तो सर से 3 बार उल्टा वार लीजिएगा। कल का आप देखिए, सादे कागज पर अपनी जन्मतिथि लिखना है, यह आपके समक्ष है, और उसके बाद तुलसी के पत्ते का रस उस कागज पर जहां जन्मतिथि लिखा है टपकाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा, और इस तरह से आप अपनी परीक्षा में सफलता के परचम जरूर लहराएंगे। चलिए कॉलर हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अलवर से हमारे साथ सबसे पहले कॉल किया है सीमा ने, स्वागत है आपका सीमा जी। नमस्कार जी। नमस्कार सीमा जी। जी नमस्कार। नमस्कार, सीमा खान बोल रही हूँ अलीगढ़ से। जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मुझे बहुत खुशी है आज मेरी कॉल लग गई, मैं 5 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ आपका। जी जी। चलिए, खुशी वैसे आपके शब्दों से लग नहीं रहा, जैसे आप बहुत इतना डल साउंड क्यों कर रहे हैं, थोड़ा उत्साह के साथ बात कर लें। अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ से बोल रही हूँ मैं। अलीगढ़ अलवर से? अलीगढ़ 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 से। जी बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी। मेरे बेटे का है बर्थडे 1992 28 अप्रैल। 28 अप्रैल 1992। 28 अप्रैल। जी समय बताइए। समय रात 8:10। और जन्म का स्थान? अलीगढ़। अलीगढ़। सवाल पूछ लीजिए आप। उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ, उसकी जॉब वो बहुत इस तरह एक कठिन से गुजर रहा है, उसकी जॉब कैसे, प्राइवेट कैसी भी लग जाए, कब तक लग जाए? जी सीमा जी, कुंडली वृश्चिक लग्न की है बच्चे की आपकी, अभी थोड़ा सा वर्ष कुछ इंतजार करना पड़ेगा, जैसे 1 से 1.5 वर्ष इंतजार करना होगा। पश्चिम दिशा में भेज दीजिए बच्चे को, कभी नौकरी नहीं छूटेगी। बॉम्बे, पुणे, गुजरात इस साइड में आप भेजेंगी, जितना पश्चिम दिशा में जाएगा बच्चा आपका उतना ही ज्यादा कामयाबी हासिल करेगा। महादशा शनि की है, ये भी पश्चिम दिशा के स्वामी है, हर प्रकार की शुभता इन्हीं के द्वारा मिलने वाली है। शनिवार के दिन कुछ धार्मिक स्थल पर ईंट का दान जरूर करवाइएगा, इससे भी स्थायित्व आएगा और बच्चा नौकरी में टिक के काम जरूर करेगा। और साथ ही साथ वो उपाय भी अब अपना लीजिए जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मंजिल तो आप सबको हासिल करनी है और मंजिल से परे रहना ये मुमकिन नहीं इंसान के लिए, क्योंकि हम सभी जद्दोजहद करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं सिर्फ कामयाबी पाने के लिए। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, क्या खास उपाय करेंगे अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, आइए जान लेते हैं। जद्दोजहद को आसान करता हुआ ये उपाय आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी तरह की दशा चल रही हो, संघर्ष अगर हम छोड़ दें, संघर्ष करना छोड़ दें, तो मंजिल खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी, और संघर्ष का दामन पकड़ लेंगे तो मंजिल खुद ब खुद आपके करीब आ जाएगी। उपाय मेष, वृषभ, मिथुन वालों के लिए। सबसे पहले मेष वालों के लिए, 11 दिन लगातार आज से या कल से तत्काल शुरू करिए, कच्चा दूध जल में डाल के स्नान करना है, बस
एक उपाय बेहद बारीक उपाय, टारगेट रखिएगा, लक्ष्य रखिएगा, लिख लीजिए कि आपको यह टारगेट अचीव करना है और उसके बाद हमारा ये उपाय कर लें। एक बात याद रखिएगा, एक पखवाड़ा भी नहीं बीतने देंगे, उपाय का रिजल्ट आपको दिख जाएगा। वृषभ राशि वाले, कच्चा उड़द साबुत शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, चाहे तो कुछ दिन लगातार कर सकते हैं। वैसे हमने साप्ताहिक बताया जिससे आपको थोड़ा और आसान लगे, लेकिन आप अगर बहुत ढंग से करना चाहते हैं तो कुछ दिवस लगातार आप इस उड़द का दान करें, मात्रा अपने अनुसार आप चुन लीजिएगा। बढ़ते आगे मिथुन राशि, कैसी भी स्थिति हो आपके जन्मांक में, शनिदेव कहीं पर भी बैठ जाएं, लेकिन ये उपाय आपको जरूर मदद करेगा, गणेश मूर्ति का दान करना है। दान किसी मंदिर में ही करना है, पंडित जी को वहां पर दे के आए, कुछ संकल्प के साथ मंत्रोच्चारण के साथ यदि स्थापना करवा दें तो और भी अच्छा रहेगा। यह उपाय एक बार करना है आपको बस, चाहे आज कर लें, कल कर लें, जब आपके पास वक्त हो। किसी भी धातु की मूर्ति, किसी मिट्टी की मूर्ति, जैसे भी आप संभव है, जो आप सक्षम है वह आप उपाय करिएगा। तीन राशियों की बारी हो चुकी है, अब आगे हम बताएंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या आपको उपाय करना है मंजिल को अपने करीब पाने के लिए, जिससे उदासी आपसे दूर हो जाए बस थोड़ी देर। लेकिन याद रखिएगा, जब भी ये उपाय करें साथ में अपना लकी अक्षर रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन उपायों का जो हम कहेंगे पावर है वो डबल हो जाएगी। कई बार शायद गुस्सा भी आ जाता है, जी जी बिल्कुल, उपाय करते हैं तो उसके लिए आपके समक्ष रखा है किचन पिटारा। जी हाँ, ये किचन पिटारा आपका जो क्रोध है वो दूर कर देगा और आप बिल्कुल शांति से बात करना सीख ही जाएंगे। तो जहां पर सुई से काम चल जाता है वहां तलवार निकालने की तो जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। पूनम है कानपुर से, स्वागत है आपका पूनम जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। श्री राधे। पूनम जी, श्री राधे, आशीर्वाद। हमारे बेटा के बारे में पूछना जरूर। डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1990 जी, और रात का 11:50 11:50 रात के, और जन्म का स्थान कानपुर जी। बोलिए क्या प्रश्न है आपका पूनम जी। उसके बारे में, शादी के बारे में बताइए पंडित जी, और वो जॉब कर रहा है, विदेश जाने का चांस है जी। इसका भी वृश्चिक लग्न है, अभी इससे पहले वाले जन्मांक का भी था, राशि भी इनकी वृश्चिक है और विदेश का योग तो कुंडली में है, बिल्कुल है, निश्चिंत रहिएगा, विदेश जा सकते हैं। महादशा बुध की चल रही है जो कि अच्छी नहीं होती है, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टमेश होते हैं बुध, यद्यपि लाभ मिलेगा जैसे ही विदेश जाएंगे, परिवार से दूर होंगे, इनके लिए फायदे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। सूर्य मीन राशि में है, अर्थात पितृ ऋण की प्रबलता है, एक बार विधिवत शांति की आवश्यकता, मध्य चरण की 7:30 है, शनिवार का व्रत करवा दीजिएगा और भगवान श्री गणेश का अथर्व शीर्ष का पाठ बच्चे से जरूर करवाइएगा, जरूर फायदा होगा। बहुत शुभकामना। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक खास जानकारी देते हैं, और वो जानकारी है आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम से जुड़ी हुई। हम आपको आज दोपहर बताने जा रहे हैं कि हर दिशा का संबंध एक रहस्यमय तरीके से ग्रह से भी होता है, और ये ग्रह दिशाओं से जुड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन की खुशियों पर वार कर सकते हैं, लेकिन तरक्की भी दे सकते हैं। आप उपाय क्या करते हैं दिशाओं से जुड़े हुए, ये इस बात पे डिपेंड करता है। आचार्य जी, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इसमें कनेक्टिविटी है दिशा का और ग्रहों का, हर तरह से है शायदा, और दसों दिशाओं के अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं। बिल्कुल, ये ग्रह स्वामी क्या है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भाई घर में आप रहते हैं, दिशाएं तो आपके घर में है ही, वहां उपाय कीजिए और फिर आपका जो जीवन है खुशहाल होगा ही होगा। आज दोपहर के कार्यक्रम की अभी फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। भाभी इतने मैले कपड़े, वील ट्राई कीजिए, वील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा वील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है, इसे कहते हैं सफाई।
गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई, बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर, जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी विद प्योरिटी इंडिकेटर, नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल बी एच प्लस हेयर कलर। नाइस पिक ना? क्या नाइस? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर। एफपी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। कब शॉप करती कार? ऑल्ट 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। सच्चा दबंग हो DMR, कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर, दीवाना बना दे। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं, मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते। पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। जी हाँ, कदम तो मंजिल की ओर बढ़ ही जाएंगे जब कलाजौर कल का साथ आपके साथ है। जी हाँ, कलाजौर कल हमेशा आपके लिए बहुत ही खास उपाय लेकर आता है और उन हर छोटी छोटी परेशानियों को हम विषय बनाकर आपके लिए लाते हैं, ताकि ये छोटी छोटी परेशानियां बिल्कुल नजरअंदाज ना हो और आपका जीवन हर तरीके से खुशहाल रहे। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कर्क सिंह और कन्या राशि के उपाय भी, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ से हमारे साथ कॉलर जुड़ी है सीमा, उनसे बात कर लेते हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। क्या है जी? नमस्कार। हेलो जी, चारे जी नमस्ते। नमस्कार आपसे। चारे जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ बोले सीमा जी। उनका है 21 दिसंबर 1971। जी समय बता दीजिए। समय शाम के 6 बजे चंडीगढ़ में। शाम 6 बजे? हाँ जी, शाम के 6 बजे चंडीगढ़ में। बोलिए, प्रश्न कर लीजिए। अब चारे जी, ऐसा है कि ये थोड़ा मेंटली टेंशन भी है इनको रहती, और इनकी लाइफ 2 बार शादी भी वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। 2 बार तो हो चुकी? हाँ जी, 2 बार हो चुकी, वो भी दूसरी भी अपने घर चलेगी। ये कब तक ऐसे रहेगा चारे जी? और इनका बिजनेस भी नहीं है, इनका मारा समझ, ये कब तक चलता रहेगा? नहीं तो अभी ये पुनः शादी के लिए तीसरी बार विचार कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो उनकी वो सामान लेगी चारिये जी, अपना कानूनी रूप से अपने तलाक कोर्ट से बोलगी कि मैंने नहीं रहना इसके साथ, पर कानूनी तलाक अभी नहीं हुआ इनका। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए, इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है और चंद्र राहु शुक्र एक साथ बैठे हैं। अब तक हमने यही हर किसी के जीवन के लिए बताया है कि जिस भी पुरुष के जन्मांक में शुक्र के साथ कैसे भी रूप में राहु हो, या शुक्र किसी पुरुष के जन्मांक में शनि के राशि में हो, तो ऐसे पुरुष को कभी अपनी कन्या ना दें, भले ही उसको आप कुमारे बैठा के रखें अपने पास। हमने हमेशा कहा इस चीज को, भले ही 36 में 36 गुण मिल जाए, लेकिन कष्ट बाद में मिलने से अच्छा है कि इस प्रकार से हम पहले ही बचाव के लिए प्रयास कर लें।
गुणों के आधार पर विवाह नहीं करना चाहिए। इनके जन्मांक में स्त्री सुख है ही नहीं, बात ही खत्म कर दीजिए, शादी के लिए विचार ही न करिएगा। अब बारी आती है आर्थिक समृद्धि की। निश्चिंत रहें, जन्मांक अद्भुत है इस मामले में, अपना कोई कार्य कर सकते हैं, माँ के नाम से कर लें ये कार्य। बृहस्पति और बुध इनके छठे भाव में है, तो कर्ज इनके ऊपर कुछ न कुछ चढ़ता रहेगा। धन से संबंधित काम भी इनके लिए शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन केले का एक पौधा किसी मंदिर में रखवा दीजिएगा, जरूर लाभ मिलेगा और नॉनवेज से कोसों दूर रहें। और चलिए अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक अगर अपनी असफलताओं से बार बार मायूस हो रहे हैं तो एक कहानी भी याद आती है। एक बार एक राजा था जो कि गुफा में छुपकर बैठ गया, क्योंकि बहुत बार हार गया था वो युद्ध में। वहां उसने एक मकड़ी को देखा जो कि बार बार नीचे गिर रही थी, उठ रही थी, और वहां से उसको प्रेरणा मिली और फिर से उसका हौसला जागृत हुआ और फिर उसने उस युद्ध को जीत लिया। ऐसे ही कुछ उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, बस एक करने भर की देरी है और फिर देखिएगा ये सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ लगेगी। आइए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के उपाय भी। अभी जो आपको सायदा जी ने सुनाया, ये आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ अगर भाग्य बल भी बढ़ जाए तो फिर क्या पूछना। तो उपायों के द्वारा हम आपके भाग्य बल को भी सहारा देंगे, जिससे आपके जन्मांक में उपस्थित अशुभ ग्रहों की शुभता बढ़ती जाए। कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय करना होगा, मंगल को यहां पर हम थोड़ा सा स्ट्रांग करने की आवश्यकता समझ रहे हैं। लाल सिंदूर ले लें और देवी मंदिर में जाकर के अर्पित कर दीजिएगा। यह भी आप उपाय लगातार 11 दिन तो कर ही डालिए, किसी पत्ते पर रख करके देवी मंदिर में उनके चरणों पर अर्पित करें और फिर देखिए कर्क राशि वालों के जीवन में मंगल का शुभता कैसे मिल जाता है। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि और उन्नति और मंजिल को अपने करीब लाने के लिए बुध को मजबूत करना है। 5 पान के पत्ते पर, 5 पत्ते एक के ऊपर एक रख लीजिए, एक सुपारी रखें, हल्का सा गंगा जल का छिड़काव करके शिवालय में जाएं और अर्पित कर दीजिए भगवान शिव को। यह उपाय भी आपको कंटिन्यू कुछ दिन करना होगा, लगातार करते रहेंगे तो आपको लाभ जल्दी दिखेगा और हर प्रकार के दोष समाप्त होंगे। कन्या राशि वालों के लिए एक नीम का पेड़ किसी गमले में लगाकर और श्रद्धा पूर्वक किसी मंदिर में जाके रखाइएगा। यह वृक्ष प्रफुल्लित रहे, इसके लिए भी व्यवस्था आपको करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि लगा दिया काम फुर्सत और छुट्टी मिल गई, नहीं, उसका देखभाल करने की भी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। तो नजदीक के ही किसी मंदिर में लगाइएगा जिससे लाभ जल्दी मिल जाए। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे राहु काल और गुलिक काल के बारे में भी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है बात करने का आज के लकी कॉलर से। आइए लगाते हैं सबसे पहले उन्हें नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं ये बताइए और सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुनीता है जी मेरा नाम। नमस्कार जी। नमस्कार। राधे राधे जी, आचार्य जी। श्री राधे। कहाँ से बात कर रहे हैं सुनीता जी आप? हम शामली से बात कर रहे हैं जी। शामली से जी। आज कैसा लग रहा आपको लकी कॉलर बन के? बहुत खुशी हो रही है जी, और हम सब प्रोग्राम देखते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, बहुत उपाय बताते हो, वो भी करते हैं हम सब, और हम पहले भी लकी कॉलर बन चुके थे पर बात नहीं हो पाई हमारी। अच्छा, लेकिन इस बार तो बात हो गई है तो आज बहुत खुशी हो रही है जी। आचार्य जी बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। चलिए, हमें भी बहुत आनंद आता है आप लोगों की खुशियों को देख करके, ऐसे ही प्रसन्न रहे आप। और हाँ, मेरी लड़की ने जो दर्शन के वो किया था उपाय कल के। अच्छा, दर्शन हो गया था उसको? रानी के दर्शन हो गए मेरी बेटी को। क्या बात है, बहुत भाग्यशाली है गुड़िया, उसको खूब हमारा आशीर्वाद, खूब आगे बढ़े। हाँ, तो ऐसे बोली माँ माँ करके आवाज में एकदम से खड़ी हो गई, ऐसे दिखी जी। क्या बात है, ऐसे ही देखिए आप लोग श्रद्धा पूर्वक विश्वास से उपाय करते हैं, लाभ दिखता है और आनंद हमें भी आता है। हाँ जी, और आचार्य जी मुझे अपनी बेटी के और बेटे के बारे में पूछना है जी। आप किसी एक के बारे में पूछ सकती हैं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव होता है। अच्छा सर, बेटे के बारे में पूछेंगी, बेटी के बारे में? बेटी के बारे में पूछना है। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 अगस्त जी 1993 जी। समय 7 बजे जी। सुबह के? हाँ जी, सुबह के 7 बजे। कहाँ का जन्म है? गांव का है जी, मद्दलपुर। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। शामली के पास है जी। हाँ। मुजफ्फरनगर? हाँ जी। चलिए प्रश्न कर लीजिए, क्या प्रश्न है? एक तो इसके नौकरी के बारे में पूछना चाह रही है जी।
और इसकी और शादी कैसे होगी, ये हमारी मर्जी से होगी, अपनी मर्जी से कैसे होगी आचार्य जी? देखिए कुंडली इनकी सिंह लग्न की है और इनकी राशि धनु है। अभी फिलहाल 7:30 आरंभ हो चुकी है, मंगल की महादशा चल रही है। विवाह तो पूरी तरह से अपनी इच्छा से ही दिखाई दे रहा है, स्व इच्छा विवाह है, लेकिन रिश्ता टिकेगा नहीं। सेकेंड हाउस में मंगल बैठा है, मंगल की ही महादशा 2018 तक है। तलाक या विधवा दोनों योग बना देता है। द्वितीयस्थ मंगल आजमाया हुआ है, इसमें कोई वानगी ही नहीं, कोई दो राय नहीं। तो दीर्घायुष वाले लड़के से ही विवाह के लिए आप विचार करिएगा, लेकिन अगर यह जिद कर लेगी कि इसको इसी लड़के से करना है और खुदा न खास्ता उसके जन्मांक में अल्पायु योग होगा तो क्या कर सकती है? फिर वही उपाय है, महामृत्युंजय आदि का अनुष्ठान करवाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा अपनी इच्छा से न करने पाए, अर्थात जन्मांक का विश्लेषण करा के ही शादी कराइएगा। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अनिवार्य रहेगा और नौकरी ये विवाह के उपरांत भी करेंगे, टीचिंग प्रोफेशन बेस्ट। और चलिए अब जान लेते हैं आज का और कल का राहु काल। प्रातःकाल 10:30 से लेकर के 12 बजे तक आज के राहु काल का समय रहेगा, कुछ भी शुभ काम करने से बचना होगा। और कल का समय है 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इन समयों में शुभ कामों और मांगलिक कामों से अपने आप को बचाना चाहिए, अन्यथा काम बिगड़ जाते हैं। और चलिए अब शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि गुल्ली काल आज का और कल का। चलिए आज का गुल्ली काल का समय नोट कर लीजिएगा, जो चल रहा है 7:30 से 9 बजे तक, इस बीच सबको शुभ काम कर सकते हैं। और कल का गुल्ली काल समय रहेगा 1:30 से ठीक 3 बजे तक। तो अनजाने में अगर कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है और उसका भुगतान आप करना चाहते हैं, वो पछतावा वो पश्चाताप आप करना चाहते हैं, तो आ रही है पंपा कुशा एकादशी, जिस दौरान आपको खास तरीके के उपाय करने हैं ताकि अनजाने में की गई गलतियां आपकी सब की सब दूर हो जाए। ये विषय रहेगा कल सुबह 8 बजे का हमारा। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, हाजिर होते हैं हेडलाइंस के बाद। जनता मांगे जवाब के इस एपिसोड में हम मसौढ़ी में हैं और यहाँ के नेताजी और जनता का क्या सवाल है और नेताजी का क्या जवाब है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बीजेपी के साथ नीतीश जी थे तो बहुत अच्छे थे, जैसे जुदा हुए नीतीश जी में क्या कमी हुआ, क्या बुरा हो गया? जब वो बीजेपी के साथ थे तब बिहार में विकास की गंगा बहती थी। नीतीश जी और लालू जी दोनों सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं। जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, वैसे विकास का नाम सुन के लालू भड़कता है। आज वो छोटे भाई कैसे हो गए? उनको समझ में आया कि मैं गलत जगह हूँ, अपने भाई के पास चले आए। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है। तीनों एक से बढ़कर है, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज जी। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. Bikers के लिए Fair and Lovely Men Face Wash. इसका magnet action जमे हुए dirt और pollution को खींच निकाले और दे fresh, instant bright look. Fair and Lovely Men Face Wash. हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? Shopping. Movie. Okay. Give me a second, huh? Hello. भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। कब शॉप करती कार? ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। लो, ये कहाँ गया? रिकी, दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। पिज्जा बनाए हीरो जनाब,
दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट इंस्टेंट हिट। पंजाब बेस्ट सोशल एनवायरनमेंट, बेस्ट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।